आपने ऐसे ग्लास देखे होंगे जो बाहर से काले लगते हैं, यानी कि आप ग्लास के पीछे का दृश्य नहीं देख सकते। तो आज हम ऐसे सोलराइट्स ग्लास के बारे में बात करेंगे। कुछ कारों की खिड़कियों में ऐसे ग्लास लगाए जाते हैं जिसमें से आप कार के अंदर बैठे लोगों को देख नहीं सकते, लेकिन वो बाहर देख सकते हैं। ऐसे कांच को सोलराइट्स ग्लास कहा जाता है। सामान्य कांच को सोलराइट्स ग्लास में परिवर्तन करने के लिए इसमें डार्क रंग का रेजिन मिलाया जाता है। ऐसे ग्लास प्रकाश की किरणों को शोषण कर लेते हैं और इससे बाहर के दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन कम रोशनी में बैठे व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं। यह समझने के लिए कांच के ऊपर प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है ये जानना होगा। जब कांच के ऊपर प्रकाश गिरता है तब तीन प्रक्रिया होती है। कांच कई किरणों को परावर्तित करता है जिसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, वहीं कई किरणों का शोषण करता है। अगर अधिक अंधेरा हो तो हमारा प्रतिबिंब कांच में परावर्तित होता है। सोलराइट कांच में यह प्रक्रिया ज्यादा होती है, इसलिए कांच के पीछे थोड़ी सी भी रोशनी होने पर किरणें परावर्तित होते हैं और पीछे का दृश्य दिखाई नहीं देता, मगर अंदर बैठे लोग बाहर के प्रकाशित दृश्यों को देख सकते हैं। यह प्रक्रिया गूगल्स में भी होती है। आई होप आपको यह सोलराइट्स ग्लास की यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।